नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ पीसी कुशवाहा। फिटनेस एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, मैं थ्रिल जोन नाम की ऑर्गेनाइजेशन चलाता हूं, जिसमें रनिंग इवेंट्स कराता हूं। अभी तक 113 इवेंट्स करा चुका हूं पूरे इंडिया में, एंड इवेंट कराते हुए 9 ईयर्स हो चुके हैं। अभी तक मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली, अहमदाबाद, लखनऊ एंड प्रयागराज, चंडीगढ़, रुड़की, बहुत सारी इस तरह की सिटीज़ कवर की है। तो कंप्लीट अभी 1.5 लाख लोग हमारी इवेंट में पार्टिसिपेट कर चुके हैं और बहुत सारे स्टेट्स एंड सिटीज़ कवर हो चुके हैं। तो दोस्तों, आप फिटनेस एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल के थ्रू मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के हर एक पॉइंट धीरे धीरे कवर करने की कोशिश करूंगा। आज पहला वीडियो डेडिकेटेड है बिगिनर्स के लिए, जिन्होंने कभी भी रनिंग इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया है। दोस्तों, अगर आप रनिंग इवेंट से अनजान है कि रनिंग इवेंट किन के लिए होती है, इसमें कैसे पार्टिसिपेट करें, पार्टिसिपेट करने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटीज़ होनी चाहिए और इसमें पार्टिसिपेट करने के बाद आपको क्या क्या मिलेगा, आप अगर रनिंग इवेंट में कभी पार्टिसिपेट नहीं किए तब भी आप एलिजिबल हैं, आप 10 साल के हैं तब भी एलिजिबल हैं, अगर आप 90 ईयर्स ओल्ड हैं तब भी आप एलिजिबल हैं। ये रनिंग इवेंट बहुत ही मोटिवेटिंग होता है आजकल, क्योंकि आजकल मैक्सिमम इवेंट्स में एज कैटेगरीज भी स्टार्ट हो चुकी है कि आप किसी भी एज ग्रुप के हो तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप 8-10 साल से लेकर के जितना मैक्सिमम हो सकता है, हर एक एज कैटेगरी होती है, जनरली 70 प्लस होता है, क्योंकि उसके बाद रनर्स बहुत कम होते हैं। स्टार्ट करने के लिए एक फन रन से या तो शॉर्ट डिस्टेंस से आप शुरू कर सकते हैं। तो इसमें एलिजिबिलिटी बस यही आपकी चाहिए कि आप एक फिट होने चाहिए रन को स्टार्ट करने के लिए, उसके बाद आप रनिंग शुरू कर सकते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि रनिंग इवेंट करने से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। सर, दोस्तों, रनिंग इवेंट एक ऐसा स्पोर्ट्स है जिसमें आपको शुरू करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बट जब धीरे धीरे आप रनिंग शुरू कर देते हैं तो आपकी बॉडी एडॉप्ट करना शुरू कर देती है रनिंग को, और आपको कुछ दिनों बाद वो फील होना शुरू हो जाता है कि आपका फिटनेस लेवल और एनर्जी ये दोनों ही काफ़ी बढ़ जाता है, और उसके बाद आपको फील होता है कि आपका डिप्रेशन या स्ट्रेस की बात करें तो स्ट्रेस बहुत कम हो जाता है अगर आपकी लाइफ में है, तो नहीं है तो मन बिल्कुल शांत हो जाता है। और इसके बाद हार्ट के लिए रनिंग इवेंट बहुत ही अच्छा है, रन करना बहुत अच्छा होता है, और इससे आपकी इम्यूनिटी पावर भी इंक्रीज होती है। तो बेसिकली ये मेडिकल टर्म्स है। तो रनिंग एक इवेंट ऐसा जो लगभग पूरी बॉडी पे इम्पैक्ट करता है, क्योंकि जब हम रन करते हैं तो उसमें हमारे लेग्स भी काम कर रहे होते हैं, हमारे हैंड्स भी काम कर रहे होते हैं, हमारी आईज़ भी काम कर रही होती है, और हमारा हार्ट, स्पेशली हार्ट के लिए ही रन करते हैं, एक ये होता है। और इसके साथ साथ आप अपने बॉडी फैट को भी रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये रहा इसके बेनिफिट। दूसरी बात करते हैं कि इस तरह के रनिंग इवेंट में हम पार्टिसिपेट करें कैसे, क्योंकि जिन्होंने कभी रन में पार्टिसिपेट नहीं किया या रन नहीं किया, उनको पता ही नहीं कि उनके आसपास इतनी अच्छी इवेंट्स या इतनी बड़ी इवेंट्स होती है। दोस्तों, आज इवेंट्स की दुनिया में जिन्होंने कभी रन नहीं किया वो भी रन कर करके अपना काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस ले रहे हैं, तो आप पीछे क्यों रहें। अगर आपने कभी रन नहीं किया तो चलिए बताते हैं आपको कि कैसे पार्टिसिपेट करें। दोस्तों, जितने भी सिटीज़ हैं, लगभग हर सिटीज़ में, बड़ी सिटीज़ में तो बहुत पहले से चल रहा है, बट छोटी छोटी सिटीज़ में भी अब रन शुरू हो चुका है। तो आपको उसके लिए गूगल पे जस्ट टाइप करना है कि रनिंग इवेंट नियर मी, तो आपको आपकी सिटीज़ के आसपास की सारी इवेंट्स का लिस्ट उसमें मिल जाएगा, और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आपको इवेंट मिल जाएगा। तो उसके बाद आप लोग जब सर्च करते हैं तो उसमें बहुत सारी इवेंट्स की लिस्ट आ जाएगी, तो जो नियरेस्ट डेट पे है उसमें आप जा कर के रजिस्टर कर सकते हैं और उसमें जाके एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। अब बात आती है रजिस्ट्रेशन कराने में, क्या इसमें फ़ीस देनी पड़ती है। तो दोस्तों, कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो पेड होते हैं, कुछ गवर्नमेंट की इवेंट होती है जो फुली स्पॉन्सर्ड होती है गवर्नमेंट की तरफ से, वो एक अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं तो उसमें फ्री भी होता है, कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कराते हैं, कुछ एनजीओ भी कराते हैं, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जो इस इवेंट को कराएं। अब आते हैं कि इसमें कोई भी रजिस्टर करेगा तो उसको मिलेगा क्या क्या। दोस्तों, उसको टी शर्ट, मेडल, सर्टिफिकेट, रिफ्रेशमेंट्स, हाइड्रेशन सपोर्ट और टाइमिंग चिप, RFID जो कि आपका चेस्ट नंबर जो होगा उसके बैक साइड में वो चिप लगी होगी, तो इन सारे का कॉस्ट मिला करके
लगभग रजिस्ट्रेशन फीस 500 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाती है और अलग अलग डिस्टेंस के अकॉर्डिंग उसमें रजिस्ट्रेशन फीस बढ़ता चला जाता है। बट जो रनर्स को मिलता है वो लगभग चीज़ें सेम होती है, लाइक टी शर्ट्स, मेडल, सर्टिफिकेट, रिफ्रेशमेंट्स, हाइड्रेशन सपोर्ट, और जब हम रन करते हैं तो उसमें मेडिकल सपोर्ट्स एंड वेन्यू पे भी। तो ये सारी फैसिलिटीज़ होती है जो एक रनर्स को मिलती है। तो जब भी आप रन में पहले तो आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उसके बाद इवेंट के एक दिन पहले कुछ जगह पे दो दिन, मतलब इवेंट से एक दिन और दो दिन पहले, दो दिन का बिब एक्सपो होता है। जनरली इवेंट के एक दिन पहले बिब एक्सपो होता है। बिब एक्सपो मतलब का जो आप चेस्ट नंबर होता है उसको हम लोग बिब बोलते हैं। तो बिब एंड टी शर्ट, ये दो चीज़ आपको इवेंट के एक दिन पहले मिल जाता है, और इवेंट वाले दिन आप उसको पहनकर आते हैं और रन में पार्टिसिपेट करते हैं। रन स्टार्ट करने से पहले आपको जुम्बा कराया जाता है। दोस्तों जैसे कि आप पार्टी के लिए जाते हैं कहीं भी, तो वहाँ पे एक म्यूज़िक एंड खाना, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक इसी तरह इस फिटनेस पार्टी में भी सेम चीज़ ही होती है कि आपको टी शर्ट मिलता है, चेस्ट मिलता है, उसको पहनकर आते हैं। उसके पहले जुम्बा होती है। जुम्बा होने में आपकी बॉडी वार्म अप होती है, उसके बाद फ्लैग ऑफ होता है। जो भी चीफ गेस्ट आते हैं फ्लैग ऑफ करते हैं, वहाँ से रन स्टार्ट हो जाती है। रास्ते में अगर आप 5 किलोमीटर रन करते हैं तो आप 2.5 किलोमीटर जाते हैं, देन 2.5 किलोमीटर उसी रूट से वापस आना। तो जनरली हर ऑर्गेनाइजर 1 किलोमीटर से लेकर 3 किलोमीटर तक हाइड्रेशन सपोर्ट होता है। तो आपको जाते और आते वक्त हाइड्रेशन सपोर्ट मिलेगा, जहाँ पे पानी, एनर्जी ड्रिंक, लेमन और भी बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो आपको वहाँ पे खाने के लिए मिलेगा, जो इंस्टेंट एनर्जी आपको देगा रन में अगर आप थकावट फील करते हैं तो। नहीं तो आप एनर्जी ड्रिंक एंड वाटर, ये सारी फैसिलिटी तो होती ही होती है। इन केस आपको कभी भी मेडिकल असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है तो एम्बुलेंस रास्ते में होती है, फिजियोथेरेपी टीम होती है फिनिश पॉइंट पे, एंड मेडिकल टीम भी होती है ऑन कॉल। सारी टीम वहाँ पे मेडिकल असिस्टेंस के लिए अवेलेबल रहती है। सो दोस्तों ये तो रहता है रन का एक्सपीरियंस। जब वहाँ पे आप रन कर कंप्लीट करके वापस आते हैं तो वहाँ का एक जो एक्सपीरियंस आप लोग लेंगे वो बिल्कुल किसी भी पार्टी से कम होगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे म्यूज़िक, डांस, खाना पीना, ये सारी चीज़ें हो रही होती है और बहुत ही इन्जॉय करोगे आप। सो दोस्तों इस तरह के इवेंट में पार्टिसिपेट करके आपको बेनिफिट ये भी होता है कि वहाँ पे बहुत अलग अलग लोगों से मिलने का एक चांस मिलता है, एक आपकी कम्युनिटी बिल्ड होती है। और रनिंग कम्युनिटी हर सिटीज़ में लगभग होती है जहाँ पे रनिंग इवेंट स्टार्ट हो चुका है। तो आप जिस सिटी में भी रहते हैं, अगर आपको लगता है कि रनिंग इवेंट वहाँ पे रनिंग कम्युनिटी कौन है, रनिंग ग्रुप कौन सा है, जैसे देहरादून की बात करें तो देहरादून रनर्स क्लब, दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में बहुत सारे इस तरह ग्रुप्स हैं, प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज रनर्स क्लब, लगभग हर सिटीज़ में बहुत सारे रनिंग ग्रुप होते हैं। आप उस रनिंग ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, रन करने के लिए उनके साथ ज्वाइन कर सकते हैं। इससे आपका कम्युनिटी का एक बॉन्डिंग बनती है और आपको एक अच्छा फील भी आता है, और इससे आपका टारगेट को सेट करने में और टारगेट अचीव करने में इजी हो जाता है। सो दोस्तों ये तो आज एक बेसिक इंट्रो था और एक बिगिनर्स के लिए वीडियो थी। ठीक इसी तरह और भी बहुत सारी वीडियोस लेता हूँ, बट अगर आप रनिंग में बिल्कुल नए हैं, आपने कभी पार्टिसिपेट नहीं किया, तो आप इस फिटनेस एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये चैनल में आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके एडवांस लेवल तक हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। और इसमें बहुत सारे चीज़ों को आपको स्टोरीज भी शेयर करेंगे, एंड बहुत सारे इसमें मोटिवेशनल चीज़ें भी होंगी और बहुत सारे रनर्स का इंटरव्यू भी इसमें करेंगे। सो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि इसमें और कुछ भी आपको। सो दोस्तों मिलते हैं फिर से। फिटनेस एक्सपेरिमेंट को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर उसको मेंशन करें। और अपकमिंग इवेंट्स हमारे जो थ्रिल जोन के द्वारा होने वाली है वो मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर रहा हूँ, यहाँ पे अपकमिंग इवेंट आपको सारी मिल जानी। कोई आपकी क्वेरी है अगला वीडियो का, आपको लगता है कि इस टॉपिक पे होना चाहिए, तो आप मेंशन जरूर करें। जितने सारे कमेंट्स आपके आने वाले हैं दोस्तों, तो उस पे उसके अकॉर्डिंग ही हमारी वीडियो होंगी। फिलहाल अभी तक का बहुत सारा इवेंट्स वीडियोस प्लान है, बट जो भी आप सजेस्ट करेंगे, जिस पे आपका गाइडेंस चाहिए होगा आपको उस पॉइंट पे वीडियो ज़रूर मिलेगी। दोस्तों मिलते हैं।